मुकाबला किसी से नहीं है। इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी बहुत आगे है, कोई पीछे नहीं है। साइकिल इंडिया गठबंधन तो दिल्ली तक पहुंच चुकी है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। आने वाला प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन का ही बनेगा। क्या समस्या है जनता? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार बिल्कुल जीरो है। ना अखिलेश जी हो गए, राहुल गांधी, कौन बड़ा नेता लोकसभा सीट में प्रचार कर नहीं आओ। अब यहाँ जनता चुनाव लड़ रही है कि एक लोधी और कई मोदी। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो जो पढ़े लिखे लड़के हैं उनको नौकरियां मिलेगी और किसानों को उचित दर पर खाद बीज मिलेगा। महिला मुखिया को सालाना 1,00,000 रुपए देने का काम करेगी। किसानों का सारा कर्जा माफ किया जाएगा। भैया रो राम राम नमस्कार, हम हैं बुंदेली बौछार महुआ से भरत त्रिपाठी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आज जा रहा हो, चुनावी तापमान भी बढ़त जा रहा हो, हमारे संग हैं आज हमीरपुर महुआ चंदवारी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजेंद्र सिंह राजपूत जी। इनसे हम आज चर्चा करें कि कैसो चुनाव प्रचार चल रहा हो, का माहौल है। अजेंद्र जी, सबसे पहले बुंदेली बौछार में आपको स्वागत है। सर्वप्रथम मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अजन जी, हमारा पहला सवाल जो कि साइकिल कहां तक पहुंचा पाए अब चुनाव नजदीक आ गए। बिल्कुल, साइकिल इंडिया गठबंधन तो दिल्ली तक पहुंच चुकी है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि सर्व समाज इंडिया गठबंधन के पक्ष में है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाला प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन का ही बनेगा। अबे आप काफ़ी लंबे समय से चुनावी मैदान में हो और जनता के बीच में जा रहे हैं हमीरपुर महुआ चंदवारी लोकसभा सीट में, क्या जनता के मुद्दा समझ में आ रहा है इस बार आपका, कि क्या समस्या है जनता? जनता के मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन जनता दिमागी टेंशन से भी परेशान है, क्योंकि किसानों की जो फसलें नष्ट हुई हैं अभी ओलावृष्टि में। मैंने पूरी लोकसभा का भ्रमण किया था जब ये ओलावृष्टि हुई, तो तेंदुवारी साइड और बेलाताल साइड फसलें 100 में 100% नष्ट हो चुकी थी और आज तक वहाँ कोई सर्वे करने वाला नहीं आया और ना ही उन किसानों को एक पैसा मिला है मुआवजे के नाम पर। और स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार बिल्कुल जीरो है। पढ़े लिखे लड़के जो ग्रेजुएशन किए हैं, डिग्री लिए घर बैठे हैं, वो नौकरी की तलाश में भटकते रहे, लेकिन उनको भी आज तक कोई नौकरी नहीं मिली। और अब वो डिग्री होल्डर लड़के हैं वो विदेशों को पलायन करने लगे हैं नौकरी की तलाश में। देखो जाए जो आपको जो परिवार है, पुरानो राजनीतिक परिवार है, आपके पिताजी भी 2 बार ऐसे विधायक रहे हैं, तो आपकी राजनीति में आपके पिताजी की राजनीतिक जीवन को कितना असर है, का प्रभाव मिल रहा, का ही चुनाव में फायदा हो रहा है? हमारे परिवार में जो राजनीति है, परम पूज्य स्वामी जी ब्रह्मानंद जी के आशीर्वाद से, और हमारा परिवार 3 पीढ़ियों से स्वामी जी की शरण में और उनके अनुयायी हैं। हम लोग स्वामी जी के भक्त हैं, तो उनके आशीर्वाद से और जनता के आशीर्वाद से, क्योंकि हमारा परिवार सर्व समाज, एक समाज नहीं सर्व समाज के साथ खड़ी रहती है और निस्वार्थ सेवा भाव से उनके काम आती है। अब एक आपकी हाल ही में वीडियो भी वायरल भाई, कि आप स्वामी जी और बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को आप लेट के परिक्रमा लगा रहे, आप उतर पहुँचे जैसे तो आप भावुक हो, कहा है तो वो दृश्य? देखिए, स्वामी जी हमारे पूर्वज हैं, हमारे समाज के, सर्व समाज के, जिन्होंने शिक्षा की अलग जलाई है और शिक्षा का मंदिर भी बनवाने में सर्व समाज का सहयोग है, इसलिए हम अपने पूज्य स्वामी जी को अपना आदर्श और अपने पूर्वज मानते हैं, क्योंकि शिक्षा यहाँ उस समय 3 जिले में कोई शिक्षा के नाम का कोई विद्यालय नहीं था, प्राइमरी थे, बड़े विद्यालय नहीं थे, इसलिए हम सब लोग और हमारे पूर्वज बाबा वृंदावन सिंह जी स्वामी जी के भक्त थे, उनकी सेवा में जो स्वामी जी ने आदेश किया विद्यालय के लिए
जमीन से, पैसा से, हर तरीका से स्वामी जी के आदेश का पालन किया, तो हम अपने पूर्वज मानते हैं उनको, इसलिए हमने अपने पूर्वज का लेट करके परकम्मा लगाया। और बाबा साहब संविधान के निर्माता हैं। आज अगर संविधान नहीं होता तो ये सर्व समाज का कोई हित नहीं होता, ना कोई सम्मान होता, ना कोई अधिकार होता, तो वो भी हमारे पूर्वज से बढ़ कर के। इसलिए हमने पूज्य स्वामी जी का और बाबा साहब अंबेडकर साहब का लेट करके परकम्मा लगाया। अजेंडी अब देखो जाए तो भारतीय जनता पार्टी है जो वो केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के कई बड़े नेता, दोनों डिप्टी सीएम हो गए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए, और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उतनी स्वामी जी की तपोस्थली पे आ रहे, और इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी से कौनू ना अखिलेश जी हो गए, राहुल गांधी कौनू बड़ो नेता इस लोकसभा सीट में प्रचार कर नहीं आओ। अब यहाँ जनता चुनाव लड़ रही है, यहाँ जनता का आशीर्वाद है। मैं तो ये कहूँगा कि जनता का इतना सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है कि एक लोधी और कई मोदी, एक लोधी सब पे भारी है कि एक लोधी और कई मोदी, माने कई नेता जो केंद्र में प्रदेश में है सभी ने अपने प्रोग्राम ले लिए, और इंडिया गठबंधन से अभी तक हमें ना हमने निवेदन किया, क्योंकि हमें पब्लिक का सहयोग अच्छा मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, और हमें विश्वास है कि आने वाली 20 तारीख में सर्व समाज का पीडीए का पूर्ण रूप से साइकिल वाले बटन दबा करके हमें आशीर्वाद देने का काम करेंगे। स्वामी ब्रह्मानंद विद्यालय है तो मोदी जी आ रहे, उसमें जो का मामला चल रहा हो गई आपकी समाज है और भी लोग है विरोध कर रहे कि दीवार तोड़ दी गई, क्या होगा वो तो ऐसा है कि स्वामी जी की सेवा में सर्व समाज के लोग रहे हैं और स्वामी जी ने ही शिक्षा की अलग जलाई है और स्वामी जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया है और कई संस्थाएं खोली गई हैं और इस संस्था के लिए स्वामी जी ने सबका सहयोग मांगा है और सबने सहयोग किया है। और जो बाउंड्री वाल भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के कार्यक्रम के लिए गिरवाई है, तो इस विद्यालय को खुद स्वामी जी ने, जब इसकी नींव पड़ रही थी तो स्वामी जी ने खुद ईंट रोपण का काम किया था। इसलिए सर्व समाज में रोष है कि जो शिक्षा की अलख है स्वामी जी ने खुद अपने हाथ से जलाने का काम किया है और ईंट का रोपण किया है, उसको भी आप लोगों ने देने का काम नहीं किया है, उसको तोड़ने का काम किया है। पिछली कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी से आश्वासन मिला था कि हम विश्वविद्यालय बनाने का काम करेंगे, लेकिन आज तक ब्रह्मानंद विश्वविद्यालय नहीं बनाया गया है, उसको और तोड़ने का काम किया जा रहा है। इसलिए सर्व समाज में रोष है और स्वामी जी की कर्म भूमि को भी इन्होंने दोषी माना गया है, माना है, क्योंकि सुनने में मिला है कि मोदी जी के आने पर भूमि का पूजन होगा, तो क्या ये परम पूज्य स्वामी जी की तपोस्थली है और शिक्षा का मंदिर है, इसमें सर्व समाज का सहयोग है, उसको भी इन्होंने दूषित समझा है, इसलिए सर्व समाज नाराज है। कांग्रेस पार्टी से आपको गठबंधन है, समाजवादी पार्टी का ई चुनाव में कांग्रेस कार्यकर्ता या कांग्रेस नेता उनको पूरा सपोर्ट मिल लो या कहूँ अब मनमुटाव चल लो? नहीं, कोई मनमुटाव नहीं है। इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी दिल खोल करके लगे हैं, पूरी ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं। किसान नेता के तौर पर आपकी पहचान है क्षेत्र में, आपके पिताजी रहे, उन्हें भी वे भी किसान नेता के तौर पर जानेंगे, अगर जनता को आपका आशीर्वाद मिलो तो किसानन के लाने बुंदेलखंडी हमीरपुर लोकसभा सीट के लाने आपने का रोड मैप तैयार करो? मैं किसान और बेरोजगार और शिक्षा स्वास्थ्य सभी पर को स्थिति चरम पर है, इन्हीं सब को मैं सुधार करने का काम करूंगा। किसान ओलावृष्टि हो जाती है, समय से पैसा नहीं मिलता है, सर्वे नहीं होती है और महंगाई किसानों को परेशान कर रही है, तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो जो पढ़े लिखे लड़के हैं उनको नौकरियां मिलेगी
और किसानों को उचित दर पर खाद बीज मिलेगा। आज खाद के रेट बढ़ा दिए गए हैं और खाद का वजन घटा दिया गया है। पहले 5 किलो घटाया 50 किलो से, 45 किलो किया गया, अब है जो इस वर्ष 40 किलो किया गया और खाद की कीमत बढ़ा दी गई है। तो किसान की आय कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो उचित दर पर किसानों का मंडी में गल्ला बिकेगा और उचित रेट पर खाद बीज की सुविधाएं मिलेंगी और जो डिग्री होल्डर लड़के हैं उनको नौकरी देने का काम करेगी। बेरोजगार को यहीं इसी बुंदेलखंड में रोजगार मिलेगा और घर की प्रत्येक महिला को सालाना 1 लाख रुपए, महिला मुखिया को सालाना 1 लाख रुपए देने का काम करेगी। किसानों का सारा कर्जा माफ किया जाएगा। मनरेगा की मजदूरी जो आज कम रेट हैं उसको 450 किया जाएगा। यही सब इंडिया गठबंधन से सभी लोग प्रसन्न हैं। जो पेंशनें रुकी हुई हैं, जो बच्चों के लिए शिक्षा भी फ्री की जाएगी, पेंशनें भी मिलेंगी, सारी सुविधाएं जनता के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और इंडिया गठबंधन जनता के हित में कार्य करेगी। ये सब लोगों को पूर्ण रूप से भरोसा है और विश्वास है। एक अंतिम सवाल आपसे, चुनावी मुकाबला में कि यहाँ अपनों मैन प्रतिद्वंदी मान रहे समाजवाद ए भारतीय जनता पार्टी या फिर बहुजन समाज पार्टी? देखिए, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जहाँ जहाँ भी हैं, कोई गठबंधन में कोई साइकिल से है, कोई पंजे से है, तो ये नहीं है मुकाबला किसी से नहीं है। इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी बहुत आगे है, कोई पीछे नहीं है। ये सब भ्रम है कि भाजपा बोल रही कि हम आगे, बीएसपी बोल रही कि हम आगे, कहीं कोई नहीं है। क्योंकि इंडिया गठबंधन के साथ सर्व समाज, बेरोजगार, किसान, मजदूर, मध्यवर्गीय व्यापारी, सर्व समाज जुड़ा हुआ है और सबको विश्वास है कि आने वाली सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही हमारा सबका, जनता का भला करेगी। जी हते हमारे संगे सपा प्रत्याशी अजेंद्र सिंह राजपूत जी, ये अपनी जीत को बड़ा दावा कर रहे हैं। आगामी 20 तारीख है तय, हमीपुर महुआ तंदवारी लोकसभा में वोटिंग होने हैं। अब जो तो आगे वालों वक्त तय करे कि जनता की कू पर अपनों आशीर्वाद बना रही। भरत त्रिपाठी, बुंदेली बोछार, महुआ। एकलव्य यूनिवर्सिटी दमोह विल गाइड यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। 28 acres ऑफ लस ग्रीन कैंपस, लार्जेस्ट कैंपस ऑफ बुंदेलखंड, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी, 50 future ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.